आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास टेंथ में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एक प्रश्न जिसका हमें माध्यक ज्ञात करना है और इस सूत्र के द्वारा हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो माध्यक में जो सूत्र दिए गए हैं, जो सिंबल है, पहले इस प्रश्न से हम उन सिंबल को निकाल लेंगे और उसमें रख कर प्रतिस्थापित करके उसे सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इन सभी सिंबल को निकालने के लिए, इस प्रश्न से सभी सिंबल को निकालने के लिए क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हो गई संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर एक और कॉलम बन गया संचयी बारंबारता का। अब जो है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो बारंबारता के जो ये स्तंभ है इसी से हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो संख्या है बारंबारता में, इसे हम लोग वैसे ही नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6। और संचयी बारंबारता के पहला पद और ये जो जो बारंबारता का जो दूसरा पद है, इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं, तो 30 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 36। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 36 और 40 को जोड़ के अगला पद लिखेंगे, तो 36 और 40 को जोड़ के अगला पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 76। ठीक इसी प्रकार 76 और 16 को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 6 से 12 और 7 1 और हासिल कितनी थी 9, ये हो गया 92। अब हम लोग को 92 और 4 को जोड़ देना है, तो 92 और 4 हो जाते हैं 96। अब जो होते हैं 96 और 4 को जोड़ देना है, जो कि हो जाएगा 100 यानी कि 100। जो ये संचयी बारंबारता में जो 100 आया है, यही जो है यन है, क्या है, सिंबल यन है, जो जैसा कि आप सूत्र में देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है सिंबल में, तो सिंबल जो क्या है यन, ये हमें ज्ञात हो गया कि सिंबल यन कितना होगा, सिंबल यन जो होगा वो होगा 100। संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही यन कहलाता है। अब हमें ज्ञात करना है एफ, सिंबल एफ को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एफ को ज्ञात कीजिएगा जिसे सभी सिंबल आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, सभी चिन्ह ज्ञात हो जाएंगे। तो पहले एफ को ज्ञात करते हैं, तो एफ को कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, जो यन जो मान है इसका हम लोग कर देते हैं आधा, मतलब कि 2 से भाग कर देंगे। तो जब 100 में 2 से आप लोग भाग करेंगे, 100 में जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 50। तो 50 देखते हैं कि संचयी बारंबारता में 50 कहाँ लिखा गया है, देख सकते हैं कहीं भी 50 नहीं लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 50 देखेंगे किस संख्या में छुपी हुई है, तो यहाँ दिया गया है 36 और 36 के बाद ही तो होता है 37, 38, 39 ऐसे करते करते 50 तक, लेकिन यहाँ 76 और यहाँ 36, यानी कि 36 और 76 के बीच में ही 50 पड़ता है, यानी कि वो कहाँ है, जो यफ जो कहाँ पड़ेगा, यफ का मान वो पड़ेगा 76 के बीच में ही, यानी कि वो 50 इसी में है 76 में। तो ठीक इसी के सामने जो होता है संचयी बारंबारता के सामने जो होता है बारंबारता के लिस्ट में देखते हैं, तो यहाँ बारंबारता का जो स्तंभ है इसी के सामने देखेंगे, यानी कि ये 40 जो होगा वो क्या होगा यफ हो जाएगा, यही 40 जो है क्या है यफ हो गया। इस प्रकार हमें यफ का मान मिल गया 40। अगला सिंबल ढूंढते हैं, अगला सिंबल ढूंढने के लिए बहुत ही आसान काम है, जो एफ मिल जाता है, जो एफ मिल गया है बारंबारता के लिस्ट में, जो एफ मिला है ठीक उसी के लाइन में संचयी बारंबारता के ऊपर देखते हैं, संचयी बारंबारता के ऊपर देखते हैं, वो होता है सी एफ, वहाँ संचयी बारंबारता सी एफ वो है सी एफ, यानी कि कितना दिया है सी एफ 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। अगला सिंबल क्या बचा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने यन ज्ञात कर चुके हैं, एफ भी ज्ञात कर चुके हैं और सी एफ भी ज्ञात हो चुका है, अब हमें ज्ञात करना है यल और एच। तो यल जो होता है कैसे ज्ञात करेंगे, यल जो है एफ के लाइन में ही, एफ के लाइन में ही वर्ग अंतराल का लोवेस्ट मान होता है, यल से लोवेस्ट मान, तो वर्ग अंतराल इधर से है ऐसे और एफ का जो मान है ये बिल्कुल सीधे में जा रहा है ऐसे, और इसका लोवेस्ट मान देखिए, लोवेस्ट मान क्या है 7 है, यानी कि एल का मान क्या होगा 7 हो जाएगा। अब जो है हमें एच का मान निकालना है और ये पूरे संकेत पूरे देंगे, सभी सिंबल हमें मिल जाएंगे। तो एच का मान जो होता है ये देखते हैं कि वर्ग अंतराल में या
ये जो एक्ट के जो लिस्ट में था, एक्ट के लाइन में जो बिल्कुल सीधे था वर्ग अंतराल में, जहां से हम लोग एल का मान ज्ञात किए हैं, जहां से एल का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था, उसी में से संख्या को हाईएस्ट मान में से लोएस्ट मान को घटा देते हैं तो एच का मान ज्ञात हो जाता है। तो 10 में से अगर 7 को हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि हमें प्राप्त हो चुका है एच बराबर 3। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूत्र में जितने भी सिंबल दिए गए हैं उन सभी सिंबल को हम लोगों ने यहाँ ऐसे ज्ञात कर लिया। अब करना कुछ नहीं है, इन सभी सिंबल को सूत्र में रखना है और सॉल्व कर देना है, माध्यक आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इन सिंबल को कैसे कैसे ज्ञात किया गया है, ठीक है? तो हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक, यह हो गया माध्यक। माध्यक बराबर L, L का मान इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने कहां ज्ञात किया था, तो L का मान 7 है, तो यहां पर लिख देंगे 7 प्लस, और एक बड़ा सा क्वेश्चन बना है तो बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग भी बना लेते हैं। N बाई 2, यानी कि N का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 100, तो 100 लिखेंगे, 100 बटे 2 माइनस CF का मान, तो CF का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 36, तो लिख देंगे 36, और एक बड़ा सा बटे का सिंबल लगाकर F का मान, तो F का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 40, तो ये हो जाएगा 40, और कोष्टक बंद करके H का मान लिख देंगे गुणा करके, तो H का मान जो है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा करके 3। बहुत ही आसान है। अब हमें जो ये दिया गया है कोष्टक में, पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो इसे ऐसे ही उतार लेते हैं और 100 में 2 से भाग कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा, तो हम लोग भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 36 बटे 40, और ऐसे करके गुणे में 3 है, ठीक है? अगला जो क्या होगा, अभी कोष्टक हल नहीं हुआ है, किसे हल करेंगे, तो हम लोग अब जो है 50 में से 36 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 बटे में क्या है 40, और कोष्टक में है गुणा करके 3। अब क्या करना होगा, हमें इसे कटाना होगा, जो भिन्न का सवाल जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे ही, भिन्न का सवाल जैसे गुणा होता है वैसे ही इसे गुणा कर देंगे, तो गुणा करते हैं, और 14 का या तो चाहे तो इसे और छोटा बना सकते हैं, 7 दोस्त इसे कटा देंगे, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 7/20, और गुणे में 3 है, यानी कि अगली लाइन जो हो जाएगी ये हो जाएगी 7 प्लस 21 हो जाएगा, 7 का 3 में गुणा कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना हर में, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21/20, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली लाइन में देख सकते हैं यहाँ पर 7 तो है, अब हम चाहे तो 20 से भाग भी कर सकते हैं या इसे भिन्न की तरह हल भी कर सकते हैं। भिन्न का हर हल जैसे में लसन लेते हैं, फिर से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, तो नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो भिन्न का यहाँ नियम लगाकर यहाँ पर भिन्न का जोड़ है और इसे हल कर सकते हैं, नहीं अगर हल करना है भिन्न के नियम से तो इसे जनरली हल कर सकते हैं, 20 से डायरेक्ट इसमें भाग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा और इसे भाग कर दीजिएगा तो हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है, ये हो जाएगा 1.05, ये हो जाएगा जब 20 से भाग करेंगे 21 में तो ये हो जाएगा 1.05। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जोड़ देते हैं इन दोनों को, ये हो जाएगा 8.05। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे इस सवाल का जो वर्ग अंतराल और बारंबारता ज्ञात हो, प्रश्न में दिया गया हो, तो कैसे इन सभी सिंबलों को ज्ञात किया जाएगा और इस सूत्र पर रखकर हम लोग हल करते हुए कैसे जो है माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि माध्यक कैसे ज्ञात होता है।